बहुत बहुत स्वागत है हमारा जाना स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं VCU डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का पैसा कंपनी खा चुका है। 536672 डालोगे तो ये शेयर मिल जाएगा 32 रुपीज़ में। अभी आपको मिल रहा है 6 महीने में 100% की रिटर्न दिया है। दोस्तों ये जो कंपनी है 8 रन हो रहा था कंपनी के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बहुत टाइम में बोला था, जब आर मेरे नज़र पे आया मैं आपको वीडियो बनाकर 2 बार दे चुका हूँ। दोस्तों ए शेयर से दूरी बनाई रखिए, क्योंकि प्रमोटर गेम चल रहा है, आर लगाकर रन कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर को फंसा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ए शेयर दोस्तों इतना ऊपर जा सकता है, उतना ऊपर जा सकता है। लेकिन आज देखिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर फंस चुका है, बड़ा इन्वेस्टर पैसा लेकर भाग चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा 65 रुपीज़ वाला शेयर अभी सिर्फ 32 में मिल रहा है, जो लोग यहाँ पर बाय किए होंगे उनका पैसा पूरा डूब जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मैं 1 मंथ की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, भाई देखिए 1 मंथ में कंपनी 50% की गिरावट दे चुका है, ठीक है। ये गिरावट स्टार्ट हुआ जुलाई से, यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टर सेल कर दिए, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर फंस गए हैं, सर्किट मार्कर नीचे जा रहा है, आप यहाँ पर सेल भी नहीं कर पाओगे। इस तरह का गेम होता है इस तरह का शेयर में, तो दूरी बनाए रखिए जितना आप यहाँ से। और पास्ट 5 डे में कंपनी 18% टूट चुका है, 1 मंथ में 34%, 6 महीने में लेकिन रिटर्न है 100% की। बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर ही पैसा लगाए, 8 रन किए और यहाँ तक शेयर को ले गए, अभी गिरावट चल रहा है। इस बीच देखोगे तो 246-250% की बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट लेकर भाग चुके हैं आपको यहाँ पर फंसा कर। अगर मैं आपको 5 ईयर की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो 124% की रिटर्न है। कोविड के टाइम में एसआर 2 रुपये में मिल रहा था, 2 रुपये से एसआर 65 तक गया था। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे 11% की गिरावट है, कंपनी 36 करके लिस्टिंग हुआ था 2013 में, लेकिन आज देखिए कहाँ पर है। क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर है, 49 करोड़ का मार्केट कैप रखा है, स्टॉक भी दोस्तों 20 है जो कि अच्छा है, कर्जा भी नहीं है, रिजर्व कंपनी रखा है, एसेट भी रखा है और दोस्तों वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन फ्री कैश नहीं है। और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंस रहा है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखोगे तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो नहीं है, जो कि नेगेटिव बात है। नीचे जाएंगे देखेंगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ट्रेडिंग बिजनेस करता है, 8 नंबर पर आता है, कारोबार मेन चीज़ है। दोस्तों देखिए पैसा फंस रहा है, इसलिए ये सारे चीज़ हम लोग को पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन कारोबार मेन चीज़ है, कारोबार सही से नहीं चल रहा है। आप देखोगे तो 2020 से कारोबार नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे यहाँ पर दोस्तों कंपनी चलेगा? यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट था, अभी लॉस प्रॉफिट में हुआ है। ईयर वाइज भी दोस्तों कारोबार ठीक नहीं हुआ है प्रॉफिट में दोस्तों, फिर भी प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, क्योंकि दोस्तों कंपनी में पैसा जा रहा है। आगे देखोगे जितना भी रिजल्ट आएगा कंपनी का रिजल्ट खराब ही आएगा, सेल ग्रोथ माइनस है, कारोबार नहीं चलेगा तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा? यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉफिट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि पैसा फंस रहा है। यहाँ पर CAGR पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% पॉजिटिव है। कर्जा देखोगे आगे कर्जा नहीं था, लेकिन अभी देखिए कर्जा भी हो चुका है, एसेट में दोस्तों डाउन है, नेट के कैश फ्लो थोड़ा सा पॉजिटिव है। होल्डिंग देखोगे देखिए 19% यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर रखे हैं, पब्लिक यहाँ पर 80%, तो पब्लिक ही ज़्यादातर फंस रहा है। तो आपको देख कर ही काम करना है, अगर आप इस शेयर में आते हो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी उठाना है, ये जब नीचे गिरेगा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी उठाना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तभी जाकर आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।